चलिए आज बनाते हैं क्रिस्पी एंड स्पाइसी मसाला पीनट, जो किसी भी ओकेजन के लिए एक परफेक्ट स्नैक्स है। और चाय के साथ खाने में तो इसकी बात ही कुछ और है। और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है, और आप इसे स्टोर करके आराम से 1 से 2 महीने तक खा सकते हैं। तो फिर बाजार का मसाला पीनट क्यों खाना, चलिए आज घर में ही बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, होम शेफ रूबी में आपका स्वागत है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं आज की मस्ट ट्राई रेसिपी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है कच्चा मूंगफली 1 कप से थोड़ा सा कम, वजन से बोलिए तो करीब 200 ग्राम के आसपास होगा। और फिर यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/2 कप से थोड़ा सा कम बेसन, मतलब 100 ग्राम से थोड़ा सा कम, जितना मूंगफली लिया है उसके 1/2 बेसन लिया है। और अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप चाहे तो इसमें तीखा के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं। और थोड़ा सा मतलब 1/4 बोलिए तो गरम मसाला, और 1/4 से भी कम थोड़ी सी काली मिर्च, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक की क्वांटिटी थोड़ा कम ही रखेंगे अभी। और अभी इन सब चीजों को डालकर और मसाले और बेसन को, और अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, और पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि गांठ उठ ना रहे, और एकदम गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। देखिए अभी पानी थोड़ा सा कम लग रहा है, तो थोड़ा सा मैं और मिक्स कर रही हूँ, और फिर इसको डालकर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें इस रेसिपी में इस चीज का खास ध्यान रखना है कि जितना पीनट या मूंगफली जो भी बोलिए लिया है उसके 1/2 बेसन लेंगे, ताकि घोल एकदम अच्छे से बनेगा और अच्छे से प्रॉपर कोटिंग भी हो जाएगा और एक्स्ट्रा घोल वगैरह नहीं बचेगा। और अब इसमें एकदम टैंगी टेस्ट लाने के लिए डालेंगे 1/2 नींबू का रस, या जैसे भी क्वांटिटी में आपका बेसन और पीनट है उसके अकॉर्डिंग, यदि ज्यादा है तो 1 नींबू का रस। और इसको डाल के ऐसे छन्नी से छान लेंगे ताकि बीज वगैरह उसमें ना जाए, और इसको ऐसे स्पून से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए अच्छे से एकदम प्रॉपर हमारा घोल तैयार हो गया है। तो अब इसमें डालेंगे अपना कच्चा मूंगफली या पीनट जो भी बोलिए, वैसे हमारे तरफ इसको चिनिया बादाम भी बोलते हैं, इसलिए बहुत लोग इस रेसिपी को बादाम पकौड़ा भी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसको डाल के और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसके ऊपर से डालेंगे 1 चम्मच चावल पाउडर, बस थोड़ा सा। यदि आप डालना चाहते हैं तो ऐसे डाल देंगे तो थोड़ा और क्रिस्पी होता है। और इसको डाल के और स्पून से ही ऐसे मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से न कर लिया, ज्यादा पानी वगैरह इसमें नहीं होना चाहिए। ऐसे सब चीज बराबर बराबर थोड़ा माप के लेंगे ना, तो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब इसका जो पीनट का है ना लेयर भी अच्छे से बनेगा। नहीं ज्यादा पतला होना चाहिए और नहीं ज्यादा गाढ़ा। क्या होगा, पतला होगा कोटिंग तो इतना अच्छा भी नहीं लगेगा, और ज्यादा मोटा हो गया तो फिर निकल भी जाता है, क्रंची ज्यादा नहीं होता है। तो इसलिए मेजरमेंट का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मेजरमेंट सही रहेगा तो एकदम सही बनेगा। और अब एक कढ़ाई लेंगे और गैस को ऑन करेंगे, और उसमें डालेंगे तेल। आप जिस भी तेल में फ्राई करते हैं उस तेल में कर सकते हैं, मैं इसको सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। तो जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है तब तक हम इसके लिए थोड़े से मसाले तैयार कर लेते हैं लास्ट में एकदम चटपटा टेस्ट लाने के लिए। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखा बिल्कुल नहीं है कलर के लिए, और थोड़ा सा आमचूर पाउडर ताकि एकदम खट्टा और चटपटा अच्छा सा टेस्ट आए। और इसको ऐसे मिक्स करके और साइड में रख लेंगे। तो अब हमारा तेल इधर अच्छे से गर्म हो गया है। डालते टाइम खास ध्यान रखिएगा कि तेल एकदम अच्छे से गर्म होनी चाहिए, और जब अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें ऐसे अपना मूंगफली डाल देंगे। और डालते टाइम ना थोड़ा डालने में टाइम लगता है, तो उस टाइम गैस का फ्लेम लो कर दीजिए, ताकि नहीं तो ऐसे पता चला धीरे धीरे डाल रहे हैं तो एक डाल रहे हैं तो एक जलते जा रहा है, वैसे हो जाएगा। तो इसलिए डालते टाइम तेल अच्छे से गर्म करके और गैस का फ्लेम लो करके और फिर डालना स्टार्ट कीजिए, और ऐसे एक एक करके डालेंगे ताकि चिपके नहीं। ऐसे एक ही में चिपकेंगे ना तो ज्यादा क्रंची भी नहीं होंगे और अच्छा भी नहीं लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो भी मेहनत वाला काम है ना बस इसको डालने में है और बाकी कुछ नहीं। और फिर इसको चलाते हुए और अच्छे से मीडियम टू लो पे इसको फ्राई कर लेंगे। अभी मेरा फर्स्ट बैच था, थोड़ा मैंने कम ही डाला है। तो देखिए अब हमारा पीनट अच्छे से प्रॉपर फ्राई हो गया है। तो अब इसको एक बर्तन में इसका तेल अच्छे से प्रॉपर एक झारे में निकाल के और इसको निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा एकदम प्रॉपर कलर वगैरह एकदम लग रहा है ना। देखिए आवाज सुनिए कितना क्रंची लग रहा है।
और बाकी के और भी जो है ना पीनट, उसको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और देखिए इसी तरह से थोड़ा डालते टाइम ध्यान रखिएगा कि नहीं तो क्या है ना, एक एक डालना होता है और मूंगफली के दाने कितने छोटे छोटे होते हैं, तो थोड़ा ध्यान से डालिएगा। इसी तरह से सारे पीनट को फ्राई कर लेंगे। देखिए मैंने कुछ इस तरह से फ्राई कर लिया है। अब इसको एक बाउल में ऐसे ले लेंगे ताकि मसाले जो ऊपर से डाले ना तो उसको मिलाने में आसानी हो, और जब हल्का गर्म रहे तुरंत इसको तलने के बाद ही इसको डालना है। और अब इसके ऊपर से डाल देंगे एकदम अच्छा सा चटपटा खट्टा चटपटा टेस्ट लाने के लिए जो मसाले हमने वो चाट मसाले तैयार किए थे ना उसको डाल देंगे, और इसको डाल के और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना क्रंची, अभी जबकि हल्का हल्का गर्म है फिर भी कितना क्रंची बना है। जैसे जैसे ये ठंडा होगा ना और क्रंची हो जाएगा, और टेस्ट का तो आप लोग खाते ही होंगे पता ही है, तो फिर के वैसे बाजार जाके खरीदना, कितना इजी है इसको बनाना। तो आप लोग एक बार इसको घर पे ही ट्राई कीजिए और बना के अच्छी क्वांटिटी में और रख लीजिए, आराम से महीने दो महीने चाय के साथ एंजॉय कीजिए। और ऐसे ही बहुत सारी रेसिपीज के लिए हमसे रूबी को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।